हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कोरमा। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा यम्मी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ मैं, तो आप भी ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। 1 किलो चिकन लिया है यहाँ पर मैंने, जिसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला है इसमें। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, और लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच दही। अच्छे से मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने 1 कटोरी के करीब तेल डाला हुआ है, उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, प्याज को मैं फुल स्पीड पर तल रही थी। देखिए ये लाल होने को आए हैं, ऐसे गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है हमको इसको। 2 मिनट और फ्राई करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं जिसको हमको पीसना है, तो इसमें 1 चम्मच जीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, आधा जायफल लिया है मैंने, 4 से 5 लौंग हैं, 7-8 काली मिरी है और 8 से 10 मैंने छोटी इलायची ली है। इन सबको हम साथ में पीस लेंगे मिक्सर में। मिक्सर का जार ले लिया है मैंने। और एक बार हमको कुछ पीसना है, वो है काजू ले लिए हैं मैंने यहाँ पर, 10 से 15 काजू हैं। उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी क्रीम और इन दोनों को साथ में ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। एक कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है, उसमें जिसमें हमने प्याज तला था वो ही प्याज का मैंने तेल यहाँ पे यूज़ किया है। उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। कुछ सूखे मसाले डालेंगे हम, खड़े मसाले, 1 स्टारफुल है, 3 से 4 छोटी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। अब हम हमारा जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन है वो इसमें डाल देंगे सारा का सारा, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, भूनेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो अच्छे से भून जाना चाहिए। फुल स्पीड पर भून रही हूँ मैं। 5 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे दही और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने स्लो रखा हुआ है, स्लो फ्लेम पर है गैस, नहीं तो दही फट जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और चिकन के गलने तक इसे पकने देंगे। मैंने भगाते समय तेज़ पत्ता नहीं डाला था, मैं अब डाल रही हूँ। अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से थिकनेस आता है बहुत अच्छा। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। आप देख सकते हैं दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। चिकन थोड़ा थोड़ा सा गल गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा और पकाना है इसको हमको। तब तक मैं इसमें डालूंगी प्याज, 4 से 5 जो प्याज हमने तल लिए थे उसको मैंने सिर्फ ऐसे ही पीस लिया है, इसमें पानी नहीं डाला है और दरदरा सा ही पीसा है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे सूखे मसाले जो हमने पीसे थे, थोड़े इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसे चिकन गलने तक पकने देंगे। गलने के लिए मैं इसमें डालूंगी आधा ग्लास पानी, क्योंकि पानी इसका सूख जाएगा गलते हुए। अब हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। अब हम चिकन में डालेंगे काजू और मलाई का जो पेस्ट हमने बनाया था वो, और इसे मिक्स कर देंगे। फिर से हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए ये कितना थिक हो गया है और कितना रिच लग रहा है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, आप देख सकते हैं ये कितना रिच लग रहा है
और उतना ही ज़्यादा यमी है। तो अब हम इस पे डालेंगे धनिया पत्ती और हम इसे अब सर्व कर लेंगे। तैयार है हमारा चिकन कोरमा खाने के लिए। ये नान के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। थैंक यू।